तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग और आप देख रहे हैं टेक्निकल पंडित। तो आज मैं बहुत ही ज्यादा यूनिक वियर बॉक्स के अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करना, जिसके संग अपन को कंट्रोलर भी देखने मिलता है और अपन को 2000 रुपीज के अंडर देखने मिलता है, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और मेरे को ये मतलब सेल में तो वैसे 2000 का पड़ा था, वैसे इसकी प्राइस मतलब 2500 समथिंग थी। और यहाँ पे देखते हैं हमको, यहाँ पे पैकेज मिला है अपना और इस साइड मेरा बिल है, तो इसको मैं ब्लर मार दूंगा। मेरे को बॉक्स बहुत ज्यादा छोटा मिला है, मेरे को लगता नहीं था तो छोटा मिलेगा, पर उन्होंने पता नहीं कैसे भेजा, तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे हमें थोड़ा फटा हुआ मिला है, चलिए इसको अपन अनबॉक्स करते हैं। और यार एक वीआर बॉक्स मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होती है, और अभी कुछ सालों पहले बहुत ज्यादा फेमस होता है वीआर बॉक्स। और पहले तो ये 400 400 500 500 रुपये में मिला था, पर अब थोड़ा महंगा हो गया। और देख सकते हैं यहाँ पे हमारी वीआर बॉक्स की पिक्चर बनाई गई है, और यहाँ पे इसकी कुछ स्पेशल फीचर जो यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। और यहाँ पे इसकी प्राइस रुकिए, मैं आपको यहाँ पे देख सकते हैं इसकी प्राइस 3600 है यार, पर हमको नहीं, हमको खाली 2000 में पड़ा है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी मतलब बताया गया है कैसे कैसे यूज़ करना है इसको। और यहाँ पे इसका क्यूआर कोड है, और इसके अंदर हमको इतनी सारी एक्सेसरीज देखने को मिलती हैं। और ये हमारे स्पेशल फीचर्स हैं, और इस साइड भी स्पेशल फीचर्स हैं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और सील हमको अच्छे तरीके से देखने मिलती है, तो अपन सील को भी अपन ओपन कर लेंगे। अगर क्या सील दिए इन लोगों ने, खुल चुका है। और देखते हैं तो यहाँ पे हमको सबसे पहले हमारे यूजर मैनुअल देखने को मिलता है, और यहाँ पे हमको हमारा एक रुमाल देखने को मिलता है, जैसे कि इसमें लेंस होता है उसको साफ करने के लिए। बहुत सही किया इन लोगों ने देखे। और यहाँ पे हमको यहाँ पे क्यूआर कोड देखने को मिलता है, जो हमको यहाँ पे स्कैन करना है, और अपने यहाँ पे जो इसका ऐप है वहाँ पे पहुँच जाएंगे अपन। और यहाँ पे हमको हमारा रिमोट देखने को मिलता है, इसको भी अपन बाहर निकाल लेते हैं। हमको हमारा रिमोट देखने मिलता है, रिमोट के लिए हमको अलग यूजर मैनुअल देखने को मिलता है, तभी हम इसको भी साइड रखते हैं। और यह हमारा मेन अपना वीआर हेडसेट है, और इसको हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सही क्वालिटी मिलता है। पहले मैं सब चीज़ों को एक संग रख लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये पेपर वर्क है, इसको तो हम साइड रखते हैं, और पेपर वर्क को आपको संभाल कर रखना है, आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। ये हमारा रुमाल है, इसको भी अपन साइड रखते हैं। रुमाल क्वालिटी बहुत ज़्यादा सही है, जैसे कि अपने चश्मे से जो रुमाल मिलता है ना, उस टाइप की कुछ क्वालिटी देखने को मिलती है अपन को। यहाँ पे अपना मेन रिमोट है, और रिमोट की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा सही है, और हमारा रिमोट अपना ब्लूटूथ से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। और रिमोट क्वालिटी भी, ये बटन यहाँ पे, ये बटन हाँ काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं। ओके तो चलिए अभी रिमोट पे तो अपन बाद में आते हैं, पहले अपन मेन अपने वीआर हेडसेट को देखते हैं। बहुत ही हल्का है, और हल्का होना सही भी है, क्योंकि यार अपना मतलब जितना अपन कंफर्टेबल रहेंगे उतना तो सही रहेगा। और यहाँ पे हमको कुछ अपने एडजस्ट करने के लिए मिलता है, जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये थोड़ा हाँ एडजस्ट करने के लिए मिलता है। और यहाँ पे अपन अपना मोबाइल लगा सकते हैं, और मोबाइल साइज से ज़्यादा बड़े मोबाइल नहीं लग पाएंगे, मीडियम साइज मोबाइल ही लग पाएंगे। और यहाँ पे हमको अपनी पैडिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है, जो रिमूवल है, आप उसे निकाल भी सकते हैं और वहाँ पे लगा भी सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा सही है। और यहाँ पे हम इसकी पॉलीथिन निकाल देंगे। और आजकल के जो नए मोबाइल आ रहे हैं ना, जैसे कि अपना एंड्रॉयड जो अपने 11 आ रहे हैं, उसके सबके अंदर हमको मतलब देखने के लिए मिलता है वीआर हेडसेट, अलग से मोड देखने को मिलता है। पर जो अपने पुराने मोबाइल है उनके लिए हमको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और वो ऐप भी अपन अभी डाउनलोड कर लेंगे। और यहाँ पे हमको एक और चीज़ देखने को मिलती है, जो आपको दिखा दूँ मैं आपको, क्या है ना, हमको ये वाली प्लेट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमको हमारा मोबाइल अच्छे से एडजस्ट करना है, तो उसके लिए हमको ये वाली प्लेट निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे मैग्नेट लगी है, तो यहाँ पे प्लेट ऐसे बहुत आराम से हो जाएगी, और आप पीछे से निकाल सकते हैं, आगे से निकाल सकते हैं, और बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेट है। और अब मैं ना अपने आपको मोबाइल से मतलब इसके ऐप से, क्योंकि हर मोबाइल में आपको वीआर मतलब वीआर का मोड नहीं देखने को मिलता है, जैसे कि जो अभी नए मोबाइल आ रहे हैं उनमें तो है, पर जो पुराने मोबाइल है उनसे आप कैसे कनेक्ट करेंगे वो तो मैं आपको बता देता हूँ।
तो उसके लिए हमको यहाँ पे ये तीन पेपर लगेंगे। तो सबसे पहले हमको ये पेपर लेना है, इसके जो पीछे, अगर आपका मोबाइल मतलब एंड्रॉयड है तो यहाँ पे एंड्रॉयड के लिए भी दिया, अगर आईओएस है तो आईओएस के लिए दिया। तो अपन यहाँ पे कर लेंगे स्कैन। अब और हम इसकी इधर वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, मतलब सॉरी प्ले स्टोर पहुँच जाएंगे, और प्ले स्टोर पर देखते हैं ये इसका ऐप है। तो इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखते हैं वीआर प्लेयर इरुसु सिनेमा प्लेयर, अगर मैं गलत प्रोनाउंस करो तो वो भी आप बता सकते हैं, मेरे हिसाब से तो इरुसु है। और हम इसको अब ओपन कर लेंगे। और हमको इसके अगर सब्सक्रिप्शन लेनी तो हम वो भी ले सकते हैं, और हमको मूवी सिलेक्ट करनी है तो मूवी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक छोटी सी मूवी सिलेक्ट कर ली है, और मतलब छोटी सी मैंने डाउनलोड नहीं करी। और अब देखते हैं, अब आप इसको अंदर वीआर के अंदर लगाना है वो आपको मैं बता नहीं पाऊंगा ढंग से। और यहाँ पे हमको देखते हैं, यहाँ पे हमको रोटेट करके देखना है कि अपनी मूवी कहाँ पर है, और जहाँ मूवी हो वहाँ हमको होल्ड करना है जाके। और जैसे हम होल्ड करेंगे वहाँ अपनी सिलेक्ट हो चुकी है। और अपन अब, और मैंने मूवी डाउनलोड नहीं करी, आप अपनी मूवी डाउनलोड कर सकते हो। और अब हमको अपना येलो क्यूआर कोड डाउनलोड करना है, अब मतलब स्कैन करना है, दिखा दूँ मैं आपको। तो वो स्कैन होते ही अपना, और आपको बहुत आराम से करना पड़ेगा। और सॉरी ये थोड़ा दिक्कत आ रही होगी कि इसमें रोटेटिंग वाला सिस्टम है ना, तो मैं आपको ढंग से। और अब आपको अपनी सीट बुक करनी है कि आपको कौन सीट पे बैठना है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे मैं सीट पे बैठ चुका हूँ। देखो आप, मैंने वीआर में लगा के देख लिया, इतना मज़ा आया मेरे को। ओ यार इसमें रोटेटिंग वाला सिस्टम है ना, तो आपको ढंग से समझ भी नहीं आएगा। देखते हैं, आपको अभी तो ब्लर स्क्रीन आ रही होगी, ओके अभी हमें क्या बताऊँ आपको, कैसे दिखाऊँ बताओ। ये देखो आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, आप जैसे घुमा वगैरह के देखेंगे ना तो आपको जैसे कि 3D मोड दिखेगा इसमें, आप जैसे ही रोटेट होंगे वहाँ पे आपको दिखेगी मूवी। और अब मैं आपको अपना यहाँ पे कंट्रोलर अपना मतलब कनेक्ट करना दिखा दूँ। सबसे पहले तो आपको इसके अंदर सेल डाल लेना है जो मैंने डालनी है पहले से ही। और अब जस्ट आपको इसका बटन दबाना है, यहाँ पे ब्लू लाइट आ जाएगी। और अब अपने मोबाइल में अपना ब्लूटूथ खोल लेना है, और देखते हैं मैंने अपने मोबाइल का ब्लूटूथ खोल लिया, और इसको हम अपना ऑन कर लेंगे। और यहाँ पे आप सेट डाउन करोगे तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे आ चुका है, और इसका नाम, तो इसका यहाँ पे आप नाम पढ़ सकते हैं, इसका नाम कुछ ऐसे ही आएगा इस टाइप का ही, और बहुत मतलब यूनिक सा नाम है। और अब देखते हैं अपने कनेक्ट हो चुका है, मैं आपको दिखा दूँ अब मोबाइल से। और यहाँ पे देखते हैं मैं कुछ भी मतलब कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे ये इसका जो सेंसर है ना बिगड़ा हुआ है, तो मैं कुछ ऊपर नीचे कहीं पे भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं इसका अपना अपने आप ही यहाँ पे गूगल खुल जा रहा है। और यहाँ पे हमको इस बटन से अपनी वॉल्यूम अप होगी, और इससे अपनी वॉल्यूम डाउन होगी। और वैसे मेरे हिसाब से कोई काम के नहीं, क्योंकि खराब हो चुका है। और यहाँ पे जो हमारे ट्रिगर है ना ये, हाँ देखते हैं गूगल खुल गया वापस से, मैं क्या करूँ। और जब अपना ट्रिगर है ना, इससे जिससे भी गूगल ही खुल रहा है, सबसे गूगल ही खुल रहा है। देखो आप, मेरे को लग रहा है कि सेटिंग में कोई दिक्कत है, और मतलब इसका खाली वॉल्यूम और वॉल्यूम डाउन का बटन, और इससे अपना बैक होता है, इससे भी गूगल ही खुल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये रिमोट तो ये बेकार है। और वीआर हेडसेट मैंने आपको दिखा दिया, वापस से दिखा देता हूँ। तो मोबाइल डाल लेते अपना, और अपना यहाँ पे सिनेमा वाला ऐप डाउनलोड कर लेता हूँ, खोल लेता हूँ। लगा दिया। और यार अब मैं आपको मतलब कैसे दिखा पाऊंगा वो मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, पर पर्सनली बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और आपको मतलब मज़ा आ जाएगा। और वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है, वो आप देखते हैं 3D वीडियो बोलते हैं इनको, 3D या 360 वीडियो को कुछ कुछ बोलते हैं इनको। और मैं आप मेरे हिसाब से तो बहुत ही सही चीज़ है, और आपको इनको कभी नहीं फेंकना, अगर आपको अपने दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करना होगा तो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। और मेरे को तो ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और सॉरी मैं आपको ढंग से नहीं बता पाऊंगा, अगर मैं ढंग से नहीं बता पाया तो आप इसकी वेबसाइट पे आके भी वीडियो देख सकते हैं। और मैं होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, और कोई भी कॉमेंट करना हो तो आप मेरे को नीचे कॉमेंट भी कर सकते हैं। तो
होप करते हो आपको अच्छी लगी और वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Close doors, I'ma fall for your love.